Top 20 News is brought to you by Vithoba in association with Valke Happy Homes, Mugda EECP and Heart Care Center. नमस्कार, स्वागत है आपका NBC News पर. आज की टॉप 20 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर. पंजाब के अमृतसर में सीमा पर BSF ने आज फिर हेरोइन बरामद की है. अमृतसर के गांव डाओके में 360 ग्राम हेरोइन मिली है. पेट में इंफेक्शन के चलते हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को शिमला में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पश्चिम बंगाल में राशन वितरण घोटाले में ईडी ने PMLA के तहत बड़ी कार्रवाई की है. पश्चिम बंगाल की मंत्री ज्योति प्रिया मलिक के ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है. कर्नाटक के चिक्का बल्लापुर में नेशनल हाईवे 44 पर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के पास हुए हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है. 5 अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अमेरिका के मेन के लिविस्टन में एक शख्स ने जबरदस्त फायरिंग की है. फायरिंग में अब तक 22 लोगों के मारे जाने की खबर है. वहीं 50 से 60 लोगों के घायल होने की जानकारी है. प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र में लगभग 7,500 करोड़ रुपए लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला भी रखेंगे. बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत पूरी मुंबई में खुले में कचरा या कोई अन्य सामग्री जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. बीजेपी नेता नीलेश राणे ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर सबको चौंका दिया था, लेकिन उन्होंने अपना यह फैसला एक दिन के भीतर ही बदल दिया है. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख फाइनल हो गई है. राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख 22 जनवरी 2024 तय कर दी गई है. रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने PM मोदी को निमंत्रण पत्र भी भेजा है. प्रधानमंत्री के अलावा इस कार्यक्रम में करीब 6,500 गणमान्य लोग शामिल होंगे. राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल दावे कर रहे हैं. इसी बीच मौजूदा CM अशोक गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस इस बार कई रिकॉर्ड तोड़ेगी. आज से भारत कनाडा के नागरिकों के लिए बिजनेस एंट्री, मेडिकल और कॉन्फ्रेंस वीजा सेवा शुरू कर रहा है. कनाडा का नागरिक इसके लिए ओटावा स्थित भारतीय उच्चायोग से आवेदन कर सकते हैं. IRM एनर्जी के IPO के शेयर की लिस्टिंग उम्मीद के मुताबिक नहीं रही. इसके शेयरों की लिस्टिंग 505 रुपए के IPO प्राइस के सामने BSE पर 5% डिस्काउंट के साथ हुई है. हार्दिक पांड्या चोट की वजह से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं. अब वे अगले 3 मैचों से भी बाहर हो सकते हैं. बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान शाकिब अल हसन अपनी टीम को वर्ल्ड कप के बीच में छोड़कर वापस बांग्लादेश चले गए हैं. ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड्स को 309 रनों से हरा दिया है. ऑस्ट्रेलिया की इस जीत में ग्लेन मैक्सवेल की खास भूमिका रही और उन्होंने कई खास रिकॉर्ड अपने नाम कर दिए. करण जौहर के शो के पहले एपिसोड में बतौर गेस्ट दीपिका और रणवीर सिंह नजर आए. इस दौरान बॉलीवुड की पावरफुल जोड़ी की वेडिंग वीडियो भी शो पर दिखाई गई. अब कपल की शादी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं. बिहार में JDU ने 5 नवंबर को होने वाला भीम संसद को स्थगित कर दिया है. बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि अब यह कार्यक्रम पटना में 26 नवंबर को होगा. इजरायली सेना ने गाजा में घुसकर हमास के ठिकानों को निशाना बनाया है. इजरायल और हमास के बीच जारी जंग फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही. इस जंग में अब तक 8,000 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है. ये थी आज की टॉप 20 खबरें. खबरों का सिलसिला NBC News पर यूं ही लगातार चलता रहेगा. आप बने रहिए हमारे साथ NBC News पर. नमस्कार.